एक्सप्लेन, डिस्पर्सिव पावर, एक्सप्लेन डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर का जो इक्वेशन है वो क्या होगा? तो भाई डिस्पर्सिव पावर इज, डिस्पर्सिव पावर वो ओमेगा से डिनोट होगा, ठीक है, ओमेगा से। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायोलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो माइनस वन, ठीक है। ये हमारा डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हुआ, बराबर। ओमेगा यानी कि डिस्पर्सिव पावर वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। सो ओमेगा इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अगर आपको डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला पूछे तो आपको मतलब डिस्पर्सिव पावर फाइंड करना हो तो आप लोग ये फॉर्मूला से वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है वो किसके लिए वैलिड है? अगर मतलब तो वैसे तो वो सारे प्रिज्म के लिए वैलिड है, लेकिन अगर प्रिज्म एंगल 10 डिग्री से नीचे है, ठीक है, अगर हमारा जो प्रिज्म एंगल है वो 10 डिग्री से कम है, ठीक है, तो हमारा डिस्पर्सिव पावर का इक्वेशन क्या बनेगा? देखो, सो डिस्पर्सिव पावर फॉर प्रिज्म ऑफ एंगल लेस और इक्वल्स टू 10 डिग्री, मतलब अगर हमारा जो प्रिज्म एंगल है वो 10 डिग्री से नीचे होगा, उसका जो प्रिज्म एंगल 10 डिग्री से नीचे होगा तो हमारा डिस्पर्सिव पावर क्या बनेगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई, मतलब डेविएशन ऑफ वायोलेट कलर, डेविएशन ऑफ रेड कलर, डेविएशन ऑफ येलो कलर। अब बच्चों, डेल वी माइनस डेल आर यानी क्या होगा? थीटा, यानी थीटा डिवाइड बाय डेल वाई हुआ, ठीक है। अब मैं ये थीटा को क्या बोल सकता हूं? एंगुलर डिस्पर्सन, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइड बाय डेविएशन ऑफ मीन रे, ठीक है, मीन रे का डेविएशन। अब मीन रे यानी क्या हो जाएगा? आपका येलो कलर हो जाएगा, ठीक है। मीन रे यानी कौन सा? येलो कलर बन जाएगा। अब येलो कलर का अगर आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो इट इज द एवरेज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट एंड रेड, ठीक है। आपको सम में अगर येलो कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हो तो आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करोगे वो देखो। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर वो आपका हो जाएगा एन वाई इक्वल्स टू एन वी प्लस एन आर डिवाइड बाय टू, ठीक है। ये आप कब अप्लाई करोगे? जब आपको सम्स में ये नहीं दिया है तभी आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। जब आपको येलो कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सम में नहीं दिया हो ना तभी आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो एन वाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर इज इक्वल्स टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायोलेट प्लस
रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड डिवाइड बाय 2, एवरेज ले लेना है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ऐसा पूछे, ये सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है, कहीं पे ऐसा पूछे मीडियम की रिफ्रेक्टिविटी बताओ, ठीक है, कोई भी कलर है वो कलर के लिए मीडियम की रिफ्रेक्टिविटी, तो देखो रिफ्रेक्टिविटी ऑफ द मीडियम फॉर द कोरिस्पोंडिंग और द कोरिस्पोंडिंग कलर्स, बराबर, वो पर्टिकुलर कलर के लिए अगर आपको फाइंड करना है तो हम ये वाला इक्वेशन लगाएंगे n माइनस वन, ठीक है। अगर आपको बोले रिफ्रेक्टिविटी ऑफ मीडियम फाइंड करना है, यानी आपको फाइंड करना है n माइनस वन, ठीक है। तो बच्चों एक आध दो सम करते हैं इसके रिलेटेड, एक आध दो सम देख लेते हैं डिस्पर्सिव पावर के रिलेटेड, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान देना, ओके, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड एंड वायोलेट आपको दे दिए यहाँ पे, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा आपका 1.50 और वायोलेट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.60, ठीक है। आपको बोला गया है कि येलो कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड करो, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर इक्वल्स टू NR प्लस NV डिवाइड बाय 2, सो NY इक्वल्स टू NR प्लस NV, यानी क्या हो जाएगा 1.50 प्लस 1.60 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर 1.55, ठीक है। बी देखो, बी में आपका NV, सॉरी डिस्पर्सिव पावर यानी ओमेगा, यानी हो जाएगा आपका NV माइनस NR डिवाइड बाय NY माइनस 1, ठीक है। तो 1.60 माइनस 1.50 डिवाइड बाय 1.55 माइनस 1, इसका कैलकुलेशन करोगे 0.18 आएगा, ठीक है। चलो दूसरा सम देखो, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास प्रिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर, देखो क्राउन ग्लास के लिए आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे दिए हैं और फ्लिंट ग्लास के लिए भी आपको यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे दिए है, तो आपको फाइंड करना है डिस्पर्सिव पावर। तो पहले मैं अगर क्राउन ग्लास के लिए फाइंड करूं, जैसे ये हो जाएगा मेरा क्राउन ग्लास, ठीक है, तो क्राउन ग्लास में मुझे डिस्पर्सिव पावर फाइंड करना है, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल येलो कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो येलो कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू NV प्लस NR डिवाइड बाय 2 बनेगा। तो बच्चों NY इक्वल्स टू क्या बना हमारा, 1.522 प्लस 1.514 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो NY आपका क्या बनेगा, कुछ 1.518 आ जाएगा, ओके। तो आपको फाइंड करना है डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल्स टू NV माइनस NR डिवाइड बाय NY माइनस 1, ठीक है। तो ओमेगा आपका क्या बनेगा, 1.522 माइनस 1.514 डिवाइड बाय 1.518 माइनस 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.01544 के अराउंड आएगा, ठीक है। ये आपका ओमेगा का आंसर हो गया, क्लियर हो। तो क्या आप ऐसे ही फ्लिंट ग्लास के लिए भी फाइंड कर सकते हो, सेम मेथड, सिर्फ ग्लास अलग है, फ्लिंट ग्लास, ठीक है। चलो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक के
देखो हमारा न्यू टॉपिक है डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन के बगैर हमारा डिस्पर्सन, और दूसरा है हमारा एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ठीक है, एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। पहले है डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन, और दूसरा है हमारा एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, पहले मैं डेविएशन फाइंड करूंगा, एवरेज डेविएशन, और मैं डिस्पर्सिव पावर फाइंड करूंगा। ठीक है, डिस्पर्सन के लिए, अरे डिस्पर्सन यानी हमारा था डेल वी माइनस डेल आर, डिस्पर्सन यानी डेल वी माइनस डेल आर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में डिस्पर्सन यानी एंगुलर डिस्पर्सन की बात की है। इट इज द एंगुलर डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन एंड एवरेज डेविएशन विदाउट एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसके रिलेटेड एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना। ओके, मैंने यहाँ पे दो प्रिज्म ले लिए, दोनों का जो प्रिज्म एंगल है वो अलग अलग है। जैसे इसका प्रिज्म एंगल है ए, और बच्चों इसका मैं प्रिज्म एंगल ले लेता हूं ए डैश, बराबर। इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा है, और इसका डिस्पर्सिव पावर है मेरा ओमेगा डैश। ठीक है, दोनों का अलग अलग प्रिज्म एंगल और डिस्पर्सिव पावर मैंने अलग अलग मेंशन कर दिया है। जैसे बच्चों यहां से मैं किसी रे को इंसिडेंट करवाऊंगा, ये देखो रे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, ये रे यहां से रिफ्रैक्ट होगा, वापिस रिफ्रैक्ट होने के बाद दूसरे प्रिज्म की सरफेस पे इंसिडेंट होगा। ठीक है ना, जैसे यहां पे ये इंसिडेंट हुआ दूसरे सरफेस पे, ओके, फिर वो वापिस क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा और अगेन रिफ्रैक्ट होके आगे बढ़ेगा। ठीक है, हमारा फिगर कुछ इस तरह बना है यहाँ पे, क्लियर। ये दोनों प्रिज्म के बीच में भी यहाँ पे क्या है, एयर ही है, दोनों प्रिज्म के बीच में यहाँ पे एयर ही है। ठीक है, जैसे मैं जो रे हम लोग ने इंसिडेंट करवाया था वो एक्चुअली में सीधा जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन बच्चों उसका डेविएशन हो गया, और डेविएशन होने के बाद हमें कुछ पता चला कि वो डेल वन जितना है। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, ये जो डेविएशन हुआ वो डेविएशन हमारा क्लॉकवाइज हुआ, देखो ऐसे डेविएशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा, यानी ये मुझे मिला डेविएशन डेल वन, और जो दूसरे प्रिज्म पे रे इंसिडेंट हुआ वो एक्चुअली में जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन बच्चों वो भी डेविएट हुआ, और उसका जो डेविएशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे हुआ, एंड इट इज गिवन बाय डेल टू। ठीक है, और वो डेविएशन हमने किससे दिया, डेल टू से दिया, क्लियर। अब जैसे डेल वन और डेल टू का अगर मैं इक्वेशन लिखूं जो स्मॉल प्रिज्म के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो भी प्रिज्म है उसे स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं, बराबर। अच्छा, ये जो प्रिज्म है उसका मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिख लू, बराबर, इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो है एन, और इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो है एन डैश।
ठीक है, दोनों का मैंने यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मेंशन कर दिया है। ओके, नाउ डेविएशन के बारे में बात करें, जो पहला प्रिज्म है उसे मैं प्रिज्म वन बोलूंगा और दूसरा जो प्रिज्म है उसे प्रिज्म टू बोलूंगा, बराबर। तो डेविएशन थ्रू प्रिज्म वन, डेविएशन थ्रू प्रिज्म वन वो हो जाएगा बच्चों मेरा डेल वन, और वो डेल वन कितना आएगा तो इक्वेशन के हिसाब से प्रिज्म एंगल ए एन माइनस वन, ठीक है, ये हमारा डेविएशन मिला प्रिज्म वन से। अच्छा, ये जो डेविएशन है वो डेविएशन कैसा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई ये तो है क्लॉकवाइज, तो मैंने यहां बाजू में मेंशन कर दिया ये भाई मेरा है क्लॉकवाइज डेविएशन, ठीक है। अब दूसरा देखो भाई, डेविएशन थ्रू प्रिज्म टू, ठीक है, डेविएशन थ्रू प्रिज्म टू वो होगा मेरा डेल टू, डेल टू इज इक्वल्स टू ए डैश एन डैश माइनस वन, ठीक है, ए डैश एन डैश माइनस वन। अब बच्चों ये डेविएशन कैसा था आपका, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे मैं लिखूंगा एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरा डेविएशन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो नेट डेविएशन कितना होगा, तो भाई एक क्लॉकवाइज डेविएशन है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, सो दैट नेट डेविएशन, नेट डेविएशन वो हो जाएगा मेरा डेल इक्वल्स टू फर्स्ट माइनस सेकंड, सो दैट डेल इक्वल्स टू पहला जो है वो है ए एन माइनस वन और जो दूसरा है वो ए डैश एन डैश माइनस वन, ठीक है, ये हो गया मेरा नेट डेविएशन, क्लियर। अब अच्छा, ये जो मुझे इक्वेशन मिला ना वो डेल यानी कि डेविएशन का इक्वेशन मिला आपको ये, ठीक है, ये किसका इक्वेशन मिला, डेविएशन। अब बच्चों यही मुझे वायलेट कलर के लिए डेविएशन लिखना है, ठीक है, डेविएशन फॉर वायलेट कलर, ये मुझे मिला डेविएशन, डेविएशन फॉर वायलेट कलर, बराबर। और वायलेट कलर का जो डेविएशन है मैं उसे लिखूंगा डेल वी, तो डेल वी इज इक्वल्स टू ए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस वन माइनस ए डैश रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट डैश माइनस वन, क्लियर। जैसे जो ऊपर का डेविएशन का इक्वेशन है उसके ऊपर से ही मैंने ये इक्वेशन बनाया है, बराबर। अब रेड के लिए अगर मुझे डेविएशन लिखना है तो डेविएशन फॉर रेड कलर, अब रेड कलर के लिए डेविएशन देखो तो वो आपका हो जाएगा डेल आर इज इक्वल्स टू ए एन ऑफ आर माइनस वन माइनस ए डैश एन आर डैश माइनस वन, ठीक है, ये किसके लिए बन गया आपका, रेड कलर के लिए डेविएशन। तो बच्चों आपका एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, आपका एंगुलर डिस्पर्सन, बराबर, एंगुलर डिस्पर्सन एंगुलर डिस्पर्सन वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर इज इक्वल्स टू, चलो भाई
डेल वी का जो फॉर्मूला है वो रखते हैं, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई करके ही रखूंगा, तो वो देखो क्या बनेगा, ए एन वी माइनस ए माइनस ए डैश एन डैश वी माइनस माइनस प्लस ए माइनस। अब मैं रेड वाले को रख रहा हूं, उसे भी मल्टीप्लाई करके ही रखता हूं, तो वो आएगा मेरा ए एन आर माइनस ए माइनस ए डैश एन डैश आर माइनस माइनस प्लस ए डैश, ठीक है। अच्छा अब इसे एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर इज इक्वल्स टू, ये बना हमारा ए एन वायोलेट माइनस ए माइनस ए डैश एन डैश वायोलेट प्लस ए डैश माइनस ए एन आर माइनस माइनस प्लस ए माइनस माइनस प्लस ए डैश एन डैश आर प्लस माइनस माइनस ए डैश, ठीक है। अब जो बच्चों कैंसिल हो रहा है उसे उड़ाओ, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे, तो देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। देखो ये ए कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ए डैश कैंसिल हो रहा है, चलो इतना निकाल दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपका ए वाला ये स्टेप है और दूसरा ये ए वाला है, और दूसरे में ये ए डैश वाला है और ये भी आपका ए डैश वाला है, ठीक है। तो ए डैश वगैरह कॉमन निकालेंगे तो हमारा थीटा यानी डेल वी माइनस डेल आर ये कुछ हमारा इस तरह बन जाएगा, ए एन वी माइनस एन आर, और यहां पे माइनस ए डैश माइनस ए डैश ब्रैकेट एन वी डैश माइनस एन आर डैश, ठीक है, ये इक्वेशन मिला हमें। तो ये क्या मिला हमें, एंगुलर डिस्पर्सन मिला, क्या मिला, एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है, ये हमें एंगुलर डिस्पर्सन मिल गया। ओके नाउ चलो भाई, ये हमने पहले क्या फाइंड किया भाई, डेविएशन फाइंड किया, डेविएशन फाइंड करने के बाद हमने वायोलेट के लिए फाइंड किया, रेड के लिए फाइंड किया, फिर एंगुलर डिस्पर्स, अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर देखते हैं। नाउ डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इक्वल्स टू, इक्वेशन आपको पता है, ठीक है, एन वी माइनस एन आर, रेड के लिए हम लोग कैपिटल ले रहे तो एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन, ठीक है, एंड ओमेगा डैश दूसरे प्रिज्म का, दूसरे प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर क्या है, ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश इक्वल्स टू एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन, लेकिन यहां पे आएगा डैश डैश डैश, बराबर, तीनों तीन में डैश वाला है ना, तो डैश आ जाएगा। बच्चों यहां पे आपने जो पावर फाइंड किया है उसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एन वी माइनस एन आर इज इक्वल्स टू ओमेगा एन वाई माइनस वन, ठीक है, और यहां पे अगर मुझे लिखना है तो एन वी डैश माइनस एन आर डैश इज इक्वल्स टू ओमेगा डैश एन डैश वाई माइनस वन, ठीक है, ओके। तो ये आपको क्या मिला, एन वी माइनस एन आर और एनवी डैश माइनस एनआर डैश का फॉर्मूला मिला,
सो बच्चों ऊपर देखो, यहाँ पे आपको NV माइनस NR दिख रहा है और ये NV डैश माइनस NR डैश भी दिख रहा है। तो इसकी जगह पे मैं ये दो फॉर्मूला रखूंगा, क्लियर हूं? तो वैल्यूज रखते हैं, तो हमारा जो डिस्पर्सन है वो कितना मिलेगा, एंगुलर डिस्पर्सन। सो दैट नाउ एंगुलर डिस्पर्सन उसे हम लोग बोलते हैं थीटा, या आप लोग डेल वी माइनस डेल आर भी बोल सकते हो। तो वो हो जाएगा, देखो ए तो एज इट इज है, आपको NV माइनस NR की जगह पे ये जो वाला इक्वेशन है वो यहां पे रखना है, ठीक है, NV माइनस NR की जगह पे। तो यहाँ पे बनेगा ओमेगा NY माइनस वन माइनस ए डैश ओमेगा डैश N डैश Y माइनस वन। अच्छा येल्लो कलर क्यों लिया हमने, येल्लो कलर वाला इक्वेशन बना दिया पूरा। अब बच्चों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि येल्लो हमारा एवरेज कलर डिनोट करेगा, ठीक है, सब एवरेज वैल्यू हमारा येल्लो वाला डिनोट करता है, इसीलिए हमने उसे एवरेज में ले लिया। तो ये मिला हमें एंगुलर डिस्पर्सन, क्या मिला, एंगुलर डिस्पर्सन, फाइनल एंगुलर डिस्पर्सन हमें मिल गया। अब देखो हमें फाइंड करना है एवरेज डेविएशन। अब एवरेज डेविएशन देखो, रेड कलर का डेविएशन डेल आर जो हमने फाइंड कर लिया है, वायोलेट का डेविएशन डेल वी वो भी हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन बोला है यहाँ पे एवरेज डेविएशन। अब एवरेज डेविएशन यानी किसका होगा, येल्लो कलर का होगा, किसका होगा, येल्लो कलर का। तो देखो एवरेज डेविएशन, द एवरेज डेविएशन यानी होगा डेल वाई इज इक्वल्स टू एन वाई माइनस वन इंटू ए माइनस एन डैश वाई दूसरे प्रिज्म के लिए माइनस वन इंटू ए डैश। डेविएशन यानी क्या होगा, ए ब्रैकेट एन माइनस वन, तो पहले प्रिज्म का माइनस दूसरे प्रिज्म का, पहले प्रिज्म का आपका है क्लॉकवाइज, दूसरे का है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में माइनस रखा है, क्लियर? ओके आगे देखो। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है, डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन, ठीक है, डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन, और दूसरा जो हमें फाइंड करना है वो एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो ये दो चीजें हमें देखनी है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, अभी हम देखने जा रहे हैं डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन, फर्स्ट हमें वही देखना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है ना वो पहले हमने इक्वेशन डिराइव की है, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन बराबर, डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन। देखो वर्ड क्या बोल रहा है भाई, डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन, वापिस रिपीट कर रहा हूं, विदाउट एवरेज डेविएशन, विदाउट यानी बच्चों यहाँ पे जो आपका एवरेज डेविएशन होता है वो क्या होता है, पहले वो देखते हैं। तो भाई एवरेज डेविएशन अभी हमने ऊपर फाइंड किया, इट इज डेल वाई इक्वल्स टू एन वाई माइनस वन इंटू ए माइनस एन डैश वाई माइनस वन इंटू ए डैश, ठीक है, यह है मेरा एवरेज डेविएशन। अब बोला है आपको डिस्पर्सन फाइंड करो, डिस्पर्सन यानी जो ऊपर आपको दिख रहा है थीटा, वो थीटा फाइंड करना है, लेकिन विदाउट एवरेज डेविएशन, यानी एवरेज डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो डेल वाई इक्वल्स टू जीरो, एवरेज डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो डेल वाई इक्वल्स टू जीरो एन वाई माइनस वन इंटू ए माइनस एन डैश वाई माइनस वन इंटू ए डैश,
ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, एन डैश वाई माइनस वन इंटू ए डैश इक्वल्स टू एन वाई माइनस वन इंटू ए, बराबर। ये आपका क्या हो गया, डिस्पर्सन सॉरी विदाउट एवरेज डेविएशन हुआ, यानी एवरेज डेविएशन मैंने क्या लिया, जीरो। ठीक है, तो भाई जब मैं एवरेज डेविएशन जीरो लूंगा तब मुझे कुछ इस तरीके से कंडीशन मिली, दिस इक्वल्स टू दिस मैं बना सकता हूं, तब मेरा एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है भाई। तो एंगुलर डिस्पर्सन देखो, एंगुलर डिस्पर्सन यानी बच्चों होगा थीटा, और वो थीटा यानी डेल बी माइनस डेल आर, और आप जहां पे ये डैश वाला है उसकी जगह पे आप विदाउट डैश वाला रख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो ओ ओमे, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ए ओमेगा एन वाई माइनस वन माइनस, अब ए डैश और डैश वाले की जगह पे हम लोग सिंपल सा रखेंगे, तो देखो ओमेगा डैश रहेगा और ए डैश एन वाई डैश माइनस वन की जगह पे मेरा हो जाएगा ए ए एन वाई माइनस वन, ठीक है। तो भाई इसमें से जो कॉमन निकल रहा है वो निकालते हैं, तो बनेगा थीटा इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर इक्वल्स टू ए कॉमन एन वाई माइनस वन कॉमन, बचेगा सिर्फ ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। तो ये है जो हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर सम में ऐसा कुछ सेंटेंस आया, अगर कोई सम कर रहे हो और उसमें ऐसा कुछ लिखा है कि एवरेज डेविएशन, ठीक है, डेविएशन विदाउट सॉरी डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। बच्चों जो दूसरी कंडीशन थी हमारी वो क्या थी, तो भाई दूसरी कंडीशन हमारी कुछ इस तरह थी, एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, बराबर। एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन हमें चेक करना है। चलो भाई, तो भाई पहले मैं ना डिस्पर्सन का फॉर्मूला देखूंगा, ठीक है। तो डिस्पर्सन यानी होता है थीटा इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर इक्वल्स टू, क्या पे मेरा बन जाएगा कुछ इस तरह से, एन वाई माइनस वन ओमेगा ए माइनस एन डैश वाई माइनस वन ओमेगा डैश ए डैश, ठीक है। तो विदाउट डिस्पर्सन यानी डिस्पर्सन जीरो बन जाएगा, एन वाई माइनस वन ओमेगा ए माइनस एन डैश वाई माइनस वन ओमेगा डैश ए डैश, सो एन वाई माइनस वन ओमेगा इंटू ए इज इक्वल्स टू एन डैश वाई माइनस वन ओमेगा डैश ए डैश, ठीक है। ये मुझे एक रिलेशन मिला विदाउट डिस्पर्सन में। अब मुझे फाइंड करना है डेविएशन, एवरेज डेविएशन फाइंड करना है, तो भाई लिख लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर से मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे कि भाई एन वाई एन डैश वाई माइनस वन इंटू ए डैश डिवाइड बाय एन वाई माइनस वन इंटू ए इक्वल्स टू ओमेगा डैश डिवाइड सॉरी ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा डैश, ठीक है ना। डिवाइड बाय ओमेगा डैश, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर वन, जिसे नाम दे देते हैं नॉर्मली। तो अब मैं फाइंड करूंगा एवरेज डेविएशन, तो एवरेज
डेविएशन, यानी हो जाएगा मेरा डेल वाई, एवरेज डेविएशन तो डेल वाई, वो होगा मेरा एन वाई माइनस वन इंटू ए माइनस एन डैश वाई माइनस वन इंटू ए डैश, सो दैट डेल वाई इज इक्वल्स टू, अब देखो दोनों में से एन वाई माइनस वन इंटू ए कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे वन माइनस एन डैश वाई माइनस वन इंटू ए डैश डिवाइड बाय एन वाई माइनस वन इंटू ए बन जाएगा, ठीक है। तो आगे डेल वाई इक्वल्स टू एन वाई माइनस वन इंटू ए वन माइनस, देखो ये इक्वेशन वन से मैं क्या लिख सकता हूं, ये पूरे के वैल्यू ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा डैश, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, ये इक्वेशन वन से हमने लिखा है, क्लियर। तो बच्चों ये हमने मिला विदाउट डिस्पर्सन एवरेज डेविएशन, ठीक है, ये हमें विदाउट डिस्पर्सन एवरेज डेविएशन मिला, क्लियर। अब इसके रिलेटेड हम लोग एक आध दो सम देखते हैं, चलो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म विच शुड बी कंबाइंड विद द क्राउन ग्लास प्रिज्म ऑफ 5 डिग्री, बराबर। तो क्राउन ग्लास प्रिज्म को हम लोग बिना डैश का बोलेंगे, यानी सिर्फ ए बोलेंगे जो है 5 डिग्री। आपको बोला है कि फ्लिंट ग्लास प्रिज्म का प्रिज्म एंगल फाइंड करो, लास्ट में लिखा है नो डेविएशन, डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों डेविएशन का फॉर्मूला हमारा है डेल वाई इक्वल्स टू एन वाई माइनस वन ए माइनस एन डैश वाई माइनस वन ए डैश, तो डेविएशन नहीं होना चाहिए यानी जीरो, एन वाई माइनस वन ए माइनस एन डैश वाई माइनस वन ए डैश, ठीक है। तो फाइंड करना है हमें ए डैश, तो अगर ए डैश को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो एन वाई माइनस वन इंटू ए डिवाइड बाय एन डैश वाई माइनस वन, ठीक है। तब सारी वैल्यू रखेंगे तो ए डैश क्या आएगा एन वाई, तो बच्चों एन वाई क्या है हमारा, अरे एन वाई तो फाइंड ही नहीं किया हमने, तो यहाँ पे देख एन वाई क्या आएगा आपका एन आर प्लस एन वी बाय टू, और एन डैश वाई क्या आएगा एन डैश वी प्लस एन डैश आर बाय टू, ठीक है। सारी वैल्यू आपको यहाँ पे ऊपर दे दी है, अब इसके ऊपर से आप लोग वैल्यू ये इक्वेशंस में रखोगे तो एन वाई का वैल्यू आपका आ जाएगा, एन वाई का वैल्यू आपको मिलेगा 1.519 माइनस वन, और एन डैश वाई का वैल्यू आपको मिलेगा 1.659 माइनस वन, और ए है आपका 5, तो बच्चों ए डैश आपका आ जाएगा 3.94 डिग्री, ठीक है 3.94 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर हो। तो थैंक यू वेरी मच, आज हम लोग इतना रखेंगे, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थियरी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।